रांची में प्रदेश भर से पहुंचे पैरा शिक्षकों का आंदोलन जारी है। कल इनकी सीएम सीएस के साथ वार्ता हुई थी और मांगे मानने का आश्वासन भी मिला था, लेकिन पैरा शिक्षकों को अब तक लिखित आश्वासन नहीं मिला। अब आज आपको बता दें कि स्थायीकरण और टेट पास पैरा शिक्षकों को सरलीकरण करते हुए नियमित करने पर सहमति बनी है। उसके बाद ही हम लोग का कार्यक्रम बिल्कुल आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि लगातार इससे पहले भी पैरा शिक्षक आंदोलन करते रहे हैं और एक बार फिर से पैरा शिक्षकों ने अपना बिगुल फूंक दिया है, लेकिन इस बार अधिकारी सक्रिय हैं, उनकी लगातार बातचीत हो रही है। इस वक्त जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। कामरान, क्या कुछ मांगे हैं शिक्षकों की और क्या उम्मीद है आज प्रशासन से खासतौर पर? सामान्य काम के बदले समान वेतन की मांग एक सूत्री मांग है, जिसके लिए पारा शिक्षक लगातार राजधानी रांची में मौजूद है। हालांकि यहाँ पर आए थे, लेकिन आज फिर उन्हें रिप्लेस किया गया और बाकी जिलों के पारा शिक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं। मुराबादी स्थित चिल्ड्रन सितार में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम तमाम लोग तीन जिलों से आए गए हैं, यहाँ पर आकर लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। लोग जो पारा शिक्षक से बात करते हैं, कल क्या कुछ हुआ था और आज क्या स्थिति है? देखिए, कल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हमारी बातचीत हुई है, जिसमें विधि सचिव, कार्मिक सचिव और वित्त सचिव और शिक्षा सचिव भी तमाम अधिकारी लोग मौजूद थे। उसमें अन्य राज्यों की भांति अस्थायीकरण करने हेतु और जो कल्याण कोष एवं तमाम डीएलएड और टेट पास पारा शिक्षकों के संबंधित सभी मुद्दों पर बात हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अन्य राज्यों की भांति यहाँ भी अस्थायी पारा शिक्षकों को कर दी जाएगी। तमाम भरोसा दिलाया गया, तो फिर आप आज भी आप लोग आंदोलन क्यों जाएंगे? हमेशा जब जब भी हम लोग आंदोलन किए हैं, राज्य सरकार हम लोगों ने इसी तरह के आश्वासन देकर आंदोलन को समाप्त करने का ये करते आए हैं, लेकिन इस बार हम लोग किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं है। जब तक हमको लिखित नहीं मिल जाता है, तब तक यहाँ से हम लोग इस बार हटने को तैयार नहीं है। जब तक लिखित नहीं मिलेगा तब तक नहीं हटेंगे। आज यहाँ पर जो रांची में कि कौन कौन कहाँ कहाँ कौन जिले से लोग मौजूद हैं, आज पलामू पर पलामू जिला, लातेहार जिला के लोग यहाँ पर घेराव कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप पलामू जिला, गढ़वा जिला, लातेहार आज शाम तक रहेंगे और जो सरकार से कल सकारात्मक वार्ता हुई है, यदि सरकार उसके जवाब नहीं देती, लिखित नहीं देती है, तब तक हम लोग यहाँ पर अड़े रहेंगे। उसके बावजूद भी आंदोलन समाप्त नहीं किया जा रहा, बल्कि आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है और सरकार हमारी मान लेती है, नोटिफिकेशन कर देती है, तब हम आंदोलन को समाप्त करेंगे। आज कितने बजे का वक्त दिया गया? आज हम लोगों को 12 बजे मिलने का समय दिया गया है, लेकिन हमको मिलने से मतलब नहीं है। सरकार से मुझे स्पष्ट लिखित चाहिए और जब तक सरकार लिखित नहीं देगी, आज पलामू परमंडल के लोग आए हैं, कल दूसरे लोग आएंगे और 1 तारीख को हमारा जोरदार आंदोलन होगा। लिखित नहीं मिलेगा तब तक जिलों का आंदोलन जारी रहेगा। 1 महीना है, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, आप लोग यहाँ पर आंदोलन है और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं इस आंदोलन को लेकर, उसके लिए क्या कुछ सोचा है आप लोगों ने? क्या महज आपका आंदोलन ही जारी रहेगा उनके फ्यूचर के लिए? देखिए सर, उसके फ्यूचर के लिए हम लोग हर रोज तो उनको पढ़ा रहे हैं, टाइम पे जाते हैं, टाइम से ही आ रहे हैं, मगर हम लोग को चाहिए ना सर, 8,000 में क्या होगा? इसलिए हम लोग को समान काम समान वेतन चाहिए, जो बिहार और छत्तीसगढ़ में दिया गया है वो हम लोग को भी चाहिए। बिहार की तर्ज पर जिस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, हालांकि अभी तक लागू नहीं हो पाया है, लेकिन उसी तर्ज पर अपने लिए समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कामरान, पूरी जानकारी। शिक्षक